दोस्तों नमस्कार, के पीडीसी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक्सरसाइज लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन माध्यम वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्णन करना, सेकेंड है पहचान करना, थर्ड है अंतर करना, फोर्थ है वर्गीकृत करना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि अभी बात करते हैं, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना विश्लेषण कहलाता है, और अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई जानकारी या सूचनाओं को विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। राजेश अतिलोलू पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है, नेता नजर आता है और उसके लिए सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, सेकेंड है तथ्य आधारित विद्यार्थी, थर्ड है शिक्षक अभिप्रेरित विद्यार्थी, फोर्थ है मापन आधारित विद्यार्थी। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक छात्र है राजेश नाम का, जो कि कोर्स की पुस्तक पढ़ने के बाद में पुस्तकालय जाता है और विभिन्न टॉपिक पर पुस्तक पढ़ता है और भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य कर लेता है और परीक्षाओं के लिए ना तो टीचरों से और ना ही अभिभावकों से बुलवाता है पढ़ने के लिए, और वह वास्तव में सीखने में आनंद लेता नजर आता है। तो वह किस प्रकार का विद्यार्थी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जो कि यह आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी है, ऐसे या उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप उसमें आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, जो उसे एक निश्चित दिशा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा इस पर हमारा फर्स्ट वाला, आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन माध्यम वीडियो मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को बिना टोकी प्रकरण पर बात करना, सेकेंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, थर्ड है उसके प्रयोग का समर्थन करना, फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, यहाँ पे तरीका पूछा है कौन सा गलत है। तो जैसे कि मैं भी बात करती हूँ कि उसकी अपनी भाषा को अमान्य करना, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चा क्या अपनी भाषा से मातृभाषा में आता है विद्यालय में सीखने के लिए। तो जो भी चीज़ें हम विद्यालय में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या कि वो अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से सीख पाए, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, सेकंड आंसर होगा क्योंकि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य वहाँ पे नहीं करना है, उसकी मातृभाषा को सम्मान देना है, उसे स्वतंत्र रूप या प्रजातांत्रिक माहौल बनाना है क्लास के अंतर्गत। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव बुद्धि एवं विकास की समस्त झिझक शिक्षक को योग्य बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, सेकंड है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सेकंड है विधिवत शिक्षार्थियों की शिक्षण के बारे में स्पष्टता, फोर्थ है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को योग्य बना सकती है, या शिक्षक किस प्रकार योग्य बना सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विधिवत विद्यार्थियों के शिक्षण के विषय में स्पष्ट के योग्य बनाती है, क्योंकि किसी भी कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर में शिक्षार्थियों का समावेश होता है, जिसको समझकर ही शिक्षक
स्वैच्छिक निष्पादन को उत्तम बना सकता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा यहां पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। सेकंड है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अभिप्रेरित रहते हैं। थर्ड है विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। फोर्थ है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा सत्य है, हमें सत्य कथन बताना है यहाँ पे। जैसे कि हमें बात करते हैं कि खेलना एक ऐसी मनोरंजक प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें विद्यार्थी का स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। इसके अभाव में अगर विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, तो यहाँ पे खेलना सबसे बेटर है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ वाला, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे भी सत्य कथन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान रखते हैं। सेकंड है संवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। थर्ड है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। फोर्थ है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका निम्न में से किस प्रकार से होती है, कौन सा सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इसे सही कर देंगे, अगर ये हमारा आंसर इनकरेक्ट हुआ। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वातावरण और आनुवंशिकता का गुणात्मक होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है, न कि अभी 50-50 योगदान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हमारा सेकंड थर्ड वाला आनुवंशिक वातावरण का एक साथ प्रचलित नहीं होती, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये दोनों का कम्युनिकेशन होता है, गुणात्मक कार्य होता है, तो इसमें बच्चा रह के अपना अच्छी तरह से विकास कर पाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा भी कुछ नहीं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें सत्य कथन पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा है, तो संवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिकरण है, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, सेकंड है शिक्षक एवं पढ़ाई गई के बीच संबंध, थर्ड है समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया, फोर्थ है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिकरण क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे आनुवंशिकता हमें सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, अतः समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण कहलाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं अध्यात्म में, एक पीटी या खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों की क्षेत्र रण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। फर्स्ट अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रण का अधिक अभ्यास करवाना, सेकंड है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, थर्ड है बेहतर क्षेत्र रण और सफलता की दर के पीछे की तर्क को स्पष्ट करना, फोर्थ है क्षेत्र रण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी अवलोकन करेंगे। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में बोला है कि एक पीटी खेल शिक्षक है तो वो क्रिकेट खेल के बारे में विद्यार्थी को बताना चाहता है, या फिर कह सकते हैं कि क्षेत्र या फील्ड के बारे में बताना सुधार करना चाहता है, तो कौन सी युक्ति सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगी लक्ष्य को प्राप्त करने में, इस प्रकार से क्वेश्चन को बोला जा रहा है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि किसी क्रिया का बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियों मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है और शिक्षार्थियों के क्षेत्र रण को सुधारने के हेतु शिक्षक को उन्हें क्षेत्र रण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। फर्स्ट अपने तर्क संगत, सेकंड है आत्मसात, थर्ड है निर्माण, फोर्थ है सक्रियकरण। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन मिला कि एक शिक्षक है, वो अपने विद्यार्थियों को या अपने विद्यार्थियों की मदद करना चाहती है कि वह किस एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना करें कर सकें। तो विभिन्न समूहों में एक ऐसी स्थिति पर बात विवाद चर्चा करना चाहती है या उन्हें अवसर उपलब्ध कराना चाहती है जिससे कि वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को कर सकें। तो किस प्रकार से कर सकेंगे, जैसे कि अभी बात करते हैं कि वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात कर अपने तरीके से किसी स्थिति के विभिन्न परिप्रेक्ष्य को विकसित कर सकता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड आत्मसात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। फर्स्ट ऑप्शन अंगीकार, सेकंड है समायोजित, थर्ड है अनुकूलित, फोर्थ है समुचित। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल मिलाकर खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लग जाती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए इस कीमा में दाल चावल मिलाकर खाना सीख लिया है। तो किस प्रकार से सीख लिया, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविक से सामंजस्य करने के पूर्व सीखी गई योजनाओं एवं मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। तो वहां पर सीता ने दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड अनुकूलित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हद में। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भगत, सेकंड है अव्ययभूत, थर्ड है सामाजिक, फोर्थ है अनुभाविक। क्योंकि एक के अलावा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक के अलावा बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं, तो जैसे कि किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचना को संसाधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने तीन उप सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में तीन पक्ष होते हैं, अव्ययभूत, संदर्भगत और अनुभाविक। तो यहाँ पे एक नहीं है जो है हमारा यहाँ पे सामाजिक। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसका बड़ा आंसर होगा हमारा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सेकंड है सामान्य बुद्धि, थर्ड है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, फोर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी की विलक्षण योग्यताएं। तो अभी क्वेश्चन पूछा रहा है कि हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो बात करती है कि अपने बुद्धि सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यता रखता है। इस सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों को जोड़ा जा चुका है। तो आंसर द करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं जिससे वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, थ फ च दुनिया है। फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन है स्वनिम, सेकंड है रूपम, थर्ड है लेखिम, फोर्थ है शब्दम। तो यहाँ पे थ फ और च जो दुनिया है वो कौन सी हमारी स्वनिम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्वीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, फर्स्ट का अकॉर्डिंग। सेकंड है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। थर्ड है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। फोर्थ है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन वो आ रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जैसे कि अभी बात करते हैं कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को अच्छे लड़के या लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो आंसर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक विद्यार्थी को स्पष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सेकंड है व्यक्तिक विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे मध्य लिखा हुआ है, मध्य को खाई को कम करने के लिए। थर्ड है विद्यार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए। फोर्थ है यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। जैसे क्वेश्चन बोला है कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए। तो जैसे क्या बात करते हैं, विद्यालय को यह समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सेकंड है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। फोर्थ है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो जैसे कि हम क्वेश्चन बोला कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवाने चाहिए या करवा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बोला गया। तो जैसे कि हम बात करते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू जिसका मापन किया जा सकता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करता है। इसके लिए एक विद्यालय को शिक्षार्थियों हेतु बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करने के लिए साथ उन्हें सीखने के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। तो आंसर का करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। सेकंड है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। थर्ड है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जा सक जाए इस पर। फोर्थ है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षक को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। सेकंड है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। थर्ड है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। फोर्थ है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन में जैसे समझेंगे, यहाँ पे बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देने और परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करना विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ साथ में, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। सेकंड है शिक्षार्थियों का अमान्य योग्यता स्तर। थर्ड है सीखने के सत्यातक
में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, फोर्थ है सीखने के कार्य की प्रगति को संतुष्ट करने। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि सीखने की तत्परता सीखने के सत्यातक में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है, जो कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे उस कार्य को करने में तनाव महसूस करता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं ज्यादा। तो एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सेकंड है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। थोड़े शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। फोर्थ है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग प्रिंट है, या मैदान में लिखा हुआ है या प्रयोग लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है, अपने कक्षा के कुछ विद्यार्थी हैं, उसकी जो विकलांगता से है बच्चे हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यह कहना सबसे उचित होगा। तो आंसर या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक कारक, सेकंड है सेरेब्रल डिस्फेक्शन, थर्ड है संवेगात्मक विघ्न, फोर्थ है व्यवहारगत विघ्न। तो इसमें क्वेश्चन में हो रहा है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अक्षमता में उत्पन्न हो सकती है, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त अन्य सभी कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सांस्कृतिक कारक है वो हमारा अधिगम में अक्षमता उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी विद्यालय, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की निरोगता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सेकंड है विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। थर्ड है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। फोर्थ है विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। जैसे क्वेश्चन बोला कि एक समावेशी विद्यालय किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप बात करते हैं समावेशी कक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अतः एक समावेशी विद्यालय यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम निरोगता नहीं कर सकते, सेकंड है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, थर्ड है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, फोर्थ है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी सारे गठन और सामाजिक समायोजन व्यक्तित्व के लक्षणों विद्यालयी उपलब्धियों आदि में सामान्य बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को उन सहयोगों की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं के कारण प्रतिभाशालीता होती है, फर्स्ट ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों, सेकंड है अनुवांशिक रचना, थर्ड है वातावरणीय अभिप्रेरणा, फोर्थ है
सेकंड और थर्ड का समायोजन। जैसे कि क्वेश्चन बोला कि किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं बालक की प्रतिभाशालिता में अनुवांशिकता रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा का सापेक्षित महत्व होता है, ये दोनों परिणाम एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं। बालक की व्यवहार की प्रत्येक विशेषता इन्हीं की अंतःक्रिया का फल होती है। तो आंसर करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, सेकंड और थर्ड समायोजन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सेकंड है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। थर्ड है निरंतर गृह कार्य देते रहना। फोर्थ है सीखने वाले व्यक्तिगत कार्य करना। तो क्वेश्चन वगैरह कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं बच्चे स्वयं करके जल्दी सीखते हैं, अतः बच्चों में सोचने व सीखने के लिए अधिगम वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वतंत्र रूप से स्वयं सोच सकें और सीख सकें। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं साथ में शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। गति कौशल में अधिगम निरोगिता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्फेजिया। सेकंड है डिस्प्रेक्सिया। थर्ड है डिसकैलकुलिया। फोर्थ है डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन बुलाया है कि गति कौशल में अधिगम निरोगिता कहलाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बुलाया। जैसे कि हम बात करते हैं गति कौशलों में अधिगम निरोगिता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इससे ग्रस्त बालक चलने कूदने और उछलने गेंद को पकड़ने और फेंकने और पकड़ने में अक्षमता महसूस करते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निरोगिता फर्स्ट ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। सेकंड है एक स्थिर अवस्था है। थर्ड है एक चर अवस्था है। फोर्थ है जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति हानि करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बुलाया कि अधिगम निरोगिता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बुलाया रहा है। तो उसकी बात करते हैं अधिगम निरोगिता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदता होना और मापदंडों से अधिक समय लगने से है। विकास मंदता की दर के कारण ही बालक बोलने पढ़ने आदि में कठिनाई का अनुभव करता है, यह एक चर अवस्था होती है। तो आंसर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे थर्ड, एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिणामों की आशा करना। सेकंड है समस्या को पहचानना। थर्ड है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। फोर्थ है संभावित युक्तियों को खोजना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान और संभावित युक्तियों की खोज करना समस्या समाधान प्रक्रिया की मुख्य चरण है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, टिक करेंगे थोड़े यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं साथ में दोस्तों के साथ में, क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। सेकंड है शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। फोर्थ है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन रह रहा है कि एक शिक्षक को किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, ये क्वेश्चन रह रहा है। जैसे कि अभी बात करते हैं कि जब विद्यार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो शिक्षक को उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, साथ ही विद्यार्थी का मनोबल भी गिरेगा। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। जब विद्यार्थी विचारों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन नीचे दिया गया आंसर भी।
क्वेश्चन बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। सीमा परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है और परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यंत नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है, इसका मुख्य कारण हो सकता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है शायद वह अकमास्तता संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सेकंड है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। थर्ड है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। फोर्थ है निरीक्षक कक्षा जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। जो ऑप्शन दिए गए हमारे क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला है कि सीमा है जो कि परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है और वह परीक्षा भवन दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होने पर या होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन उसकी तेज हो जाती है और उचित तरीके से वो उत्तर नहीं दे पाती, इसका मुख्य कारण पूछा है क्वेश्चन में। जैसे कि हमें बात करते हैं कि वो सीमा है जो कि ए ग्रेड प्लेस प्राप्त करना चाहती है, वो अति इच्छुक है इसलिए वो परीक्षा देते समय शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए वह अत्यधिक नर्वस है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, टिक कर देंगे यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा शायद वह अकस्मात संवेग आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन में वीडियो मिलती रहेंगी। जब भी हमारा एक टाइम होता है 5 बजे से 6 बजे के बीच में वीडियो उपलब्ध कराते हैं आपको, तो मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।